हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज 10th क्लास का दूसरा चैप्टर वीडियो अपलोड हो रहा है। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लौट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल क्षार और लवण को समझने से पहले आप जानो कि किसको विद्युत अपघटन बोला जाता है, किसको विद्युत अपघटन बोला जाता है, आरएनएच के विद्युत अपघटन वियोजन का सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम अम्ल क्षार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीएच स्केल पढ़ना है, सूचक पढ़ना है इस चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसको बोला जाता है विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोलाइट एंड विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। किसको बोला जाएगा विद्युत अपघट? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसी को बोला जाता है विद्युत अपघट। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता हो, उसको बोला जाएगा विद्युत अपघटन। किसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा ये जानो आप। जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक का तत्व यानी कि Li है, Na है, K है, Rb है, Cs है, Fr है, फर्स्ट ए ग्रुप में है और सेकेंड ए ग्रुप BE है, MG है, CA है, SR है, BA है, R है। ये तत्व जहां भी उपस्थित रहेंगे वहां पे निश्चित रूप से आयनिक बंध बनेगा, और जिसमें आयनिक बंध बनता है उसमें निश्चित रूप से उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा संचरित होती है। तो जो भी इसका कंपाउंड होगा सब में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। आप उदाहरण देखो, एग्जाम्पल NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, etc. इन सब में विद्युत धारा का संचरण होगा। जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता हो उसको बोला जाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, फिर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट, आपका इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलेंगे? विद्युत धारा के प्रभाव से किसी पदार्थ का अपघटित होना विद्युत अपघटन बोला जाता है। विद्युत अपघटन यानी कि किसी पदार्थ का दो या अधिक खंडों में विभक्त हो जाना विद्युत धारा के प्रभाव से, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अरे बात समझ में। अब देखो, इसमें कोई ऐसे सब्सटेंस है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि दो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गया, इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन को समझने के लिए आप आर्किमिडीज का एक सिद्धांत समझ लो। आर्किमिडीज की विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत, वियोजन का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज के विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत, आर्किमिडीज के विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत है, ध्यान से आप देखो, 5-6-7 पॉइंट है इसमें। जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा संचरित करते हैं तो वह दो या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है।
उसको बोला जाता है विद्युत अपघटनी दिवस। एवी कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें विद्युत धारा संचरित हो सकती हो, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराओगे तो ये दो यादें कणों में विभक्त हो जाएगा, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, इसको बोला जाएगा विद्युत अपघटनी दिवस। जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा संचरित करते हैं तो वह दो या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, उसी को विद्युत अपघटनी वियोजन बोला जाता है। सेकंड है कि जिस आयन पर उपस्थित आवेश धनात्मक होगा इसे धनायन, और जिस पर उपस्थित आवेश ऋणात्मक होगा उसे ऋणायन बोला जाएगा। आई बात समझ में? ए पॉजिटिव धनायन है, बी नेगेटिव ऋणायन। फिर थर्ड है धनायनों पर उपस्थित आवेश ऋणायनों पर उपस्थित आवेश के बराबर है जिससे विलयन की प्रकृति उदासीन बनी जाती है, न्यूट्रल होता है। एन जो है वो संख्या है, धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर होती है जिससे विलयन की प्रकृति उदासीन बनी जाती है। फिर किसी भी पदार्थ का गुण उसके आयनों के गुणों पर निर्भर करता है। क्यूप्रिक आयन के विलयन का रंग नीला होता है, क्यूप्रिक आयन का जो भी CO2 पॉजिटिव का जो भी विलयन बनेगा वो नीला होगा क्योंकि क्यूप्रिक आयन नीले कलर का होता है। फिर विद्युत अपघटन वियोजन में पदार्थ के समस्त अणु वियोजित नहीं होते हैं, साम्यावस्था पर जो अणु वियोजित होंगे उसे वियोजन की मात्रा बोलते हैं, वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या। फिर विद्युत अपघटनी वियोजन में देखिए, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आरएनएस के विद्युत अपघटनी वियोजन के सिद्धांत में जब किसी विद्युत अपघटनी में जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा संचरित कराते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, इसको विद्युत अपघटनी वियोजन बोलते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन। जिस पर उपस्थित आवेश धनात्मक है उसे धनायन, जिस पर उपस्थित आवेश ऋणात्मक है उसे ऋणायन बोला जाता है। धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है जिससे विलयन की प्रकृति उदासीन बनी रहती है। किसी भी पदार्थ का गुण उसके आयनों के गुणों पर निर्भर करता है, उसमें आयन जो है वो संस्कार है किसी पदार्थ का। जैसे आदमी बाहर से देखने में खूब सुंदर है, खूब अच्छा है, लेकिन उसके संस्कार है उसी से उसका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। तो उसी तरीके से किसी भी पदार्थ का गुण जो होगा उसके आयनों के गुणों पर निर्भर करेगा, जैसा आयन का गुण होगा वैसा ही पूरा पदार्थ गुण प्रदर्शित करेगा। इसमें विद्युत अपघटनी वियोजन में पदार्थ के समस्त अणु वियोजित नहीं होते, साम्यावस्था पर इक्विलिब्रियम पर यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, तो इक्विलिब्रियम पर जो पदार्थ वियोजित होंगे उसी को वियोजन की मात्रा बोला जाएगा। अरे बात सुनिए, फिर विद्युत अपघटनी वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसका साम्य स्थापित किया जा सकता है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। साम्य जब लिखा जाता है केसी साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान होता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अपॉन एबी। ये बड़ा ब्रैकेट लिखा जाता है सांद्रता को प्रदर्शित करता है, मोल प्रति लीटर सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसका साम्य स्थापित किया जा सकता है। ये आपके विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत है, आर्गेनियस का सिद्धांत बोला जाता है, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं अगले वीडियो में देखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों लॉकडाउन की अवधि लग रही है कि बढ़ेगी, बाहर से कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, आप प्रयास करिए घर से बाहर कम से कम निकलें, कम से कम दूसरों के संपर्क में आए। मेरे प्यारे बच्चों घर के बड़े बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखिए, आप सुरक्षित रहें, घर सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे।
और नहीं होता।